नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से आ रही है। सांसद स्मृति ईरानी के स्वस्थ होने के लिए सोनू यज्ञ सैनी व साथियों ने किया रुद्राभिषेक का आयोजन। जगदीशपुर अमेठी क्षेत्र की सांसद के लिए कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर स्वस्थ होने की कामना की। आपको बताते चले कि अमेठी की लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलते ही समाज सेवी व भाजपा नेता सोनू यज्ञ सैनी ने अयोध्या से पंडित आशुतोष जी सांडिल्य को बुलाकर जगदीशपुर के सप्तेश्वर मंदिर पर अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना रुद्राभिषेक कराया एवं ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और पूजा अर्चना के बाद प्रार्थना कर सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के स्वस्थ होने की कामना की। उक्त कार्यक्रम में सोनू यज्ञ सैनी के साथ साथ वीरेंद्र द्विवेदी, सनी मौर्य, विक्की माहेश्वरी, प्रताप सिंह, चंद्रभान पासवान, रजत मिश्रा, संदीप शुक्ला, गोविंद यादव, अमित श्रीवास्तव, प्रदीप शुक्ला, सुमित यादव, सत्यम मिश्रा, सुमित तिवारी, कमला कांत तिवारी आदि लोग शामिल रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी से विजेंद्र सिंह व विकास तिवारी की रिपोर्ट। पंडित जी बताइए, जो अभी आपने रुद्राभिषेक कराया यहाँ पे, वो किस उपलक्ष्य में कराया? सोनू यज्ञ सैनी जी द्वारा मैं ऐसा रास्ता शामिल अयोध्या से, और आप मेरे बड़े ही स्नेही हैं, प्रेमी हैं, और ये आज विशेष अभी आपको रात में मुझे आपने फोन किया 2 बजे रात में, और उन्होंने मुझे सूचना दी कि आदरणीय जो हमारे अमेठी के सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उनका जो है उनको कोरोना हो गया जी। तो आप इस बात के इस विषय को लेकर के बहुत चिंतित थे कि जो हमारे क्षेत्र का मौलिक है अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम सब भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, इसलिए उनको स्वस्थ होना जरूरी है। तो आपने मुझसे किया कि क्या किया जाए इस समय पे, तो मैंने कहा इस समय पे केवल प्रभु से आराधना ही किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपके द्वारा, आदरणीय सोनू भैया के द्वारा, जो हमारे क्षेत्र के लिए गौरव के विषय है, आपके द्वारा भगवान शंकर भोलेनाथ का बड़े ही श्रद्धा से अर्चन हुआ। आपने बिल्वपत्र से अर्चन किया, भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाया, 1000 बिल्वपत्र भगवान शंकर को निवेदित कर करके, और स्मृति ईरानी दीदी जी के लिए आपने प्रार्थना किया भगवान शंकर से कि उनका स्वास्थ्य जो है मंगल हो, तो पुनः स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, और पुनः इस क्षेत्र में आकर के हम सबका गौरव बढ़ावे, हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ावे। आदरणीय सोनू भैया ने, और वैसे भी आपके द्वारा इस क्षेत्र के लिए और आदरणीय स्मृति ईरानी दीदी जी के लिए मैंने सावन में और अधिक मास में अनेकानेक उनके उपलक्ष्य में उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए आपने रुद्राभिषेक किया, अर्चन किया, बिल्वपत्र से अर्चन किया, पुष्प से अर्चन किया, और अभी कुछ ही दिन पहले आपने गन्ने के रस के द्वारा भगवान शंकर का अर्चन किया अपने निज निवास पर बैठ करके, और अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए। हमने सदैव देखा है आपके विषय में कि आप चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर समय हर ऋतु में लोगों की सहायता करते रहते हैं। इनको ना धूप दिखती है ना ठंडी दिखती है, दिखता है तो केवल दूसरों का दर्द दिखता है। और मैं भगवान से, शंकर भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको ऐसे ही शक्ति दें जिससे आप लोगों की सहायता कर सकें और हमारे क्षेत्र की सहायता कर सकें। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं जब आपको देखता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे सज्जन हैं जो सबकी पीड़ा को, दर्द को समझते हैं।